वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। पेंड्रम डबल प्लस क्रीम मार्केट में जब से लॉन्च हुई है तब से हमें काफ़ी कमेंट आ चुके हैं कि ये क्रीम हमारे फेस को फेयर बनाने के लिए एज ए फेयरनेस क्रीम सेफ है या फिर नहीं। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेंगी और आप जान पाओगे कि ये क्रीम आपके लिए फेस को फेयर बनाने के लिए सेफ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको इस क्रीम के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन देख पाओ। सबसे पहले बात करें इस क्रीम के कंपोजिशन की, तो इसमें यूज़ किए हैं क्लोबेटासोल प्रोपेनेट, नियोमाइसिन सल्फेट एंड मेकोनजोल नाइट्रेट को। और फ्रेंड्स, इस क्रीम का प्रोडक्शन करती है मैक्लियोडिस नाम की कंपनी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस क्रीम के ऊपर जो हाईलाइटेड किया हुआ है कि आपको ये क्रीम लगाकर बिल्कुल भी सनलाइट में नहीं जाना। अगर फ्रेंड्स आप ऐसा करोगे तो आपके फेस पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस क्रीम का यूज़ किस लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस क्रीम का यूज़ किया जाता है हमारे फेस के पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करके हमारे फेस के स्किन को लाइट करने में, यानी कि फेस को गोरा बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता बट है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो क्लोबेटासोल प्रोपेनेट, नियोमाइसिन होता है और ये मेकोनजोल नाइट्रेट होता है, ये होते हैं स्टेरॉइड और ये हमारे फेस की स्किन को लाइट करने के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे फेस को गोरा बनाने के लिए बने ही नहीं होते। ये इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी कि दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। बट फ्रेंड्स, जब लोग इनका फेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं उनको इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जब तक दोस्तों हम इन क्रीमों को लगाते रहते हैं हमारे फेस पर एज ए फेयरनेस के लिए, तो फ्रेंड्स ये रिजल्ट तो अच्छा दिखाते रहते हैं। जब दोस्तों हम इनका लगाना यूज़ करना बंद कर देते हैं तो हमारे फेस पर कालेपन की समस्या या फिर पिगमेंटेशन हो जाती है और बाद में दोस्तों वो हाइपर पिगमेंटेशन में बदल जाती है और हमारा फेस डल दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मर्जी है, अगर आप इसका फिर भी यूज़ करना चाहते हो तो आप सकते। अब दोस्तों, बात करते हैं इस क्रीम के प्राइस की। तो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस है लगभग 81 रुपये। बट अगर आप दोस्तों इसको मेडिकल से परचेस करोगे इसके साइड इफेक्ट देखने के बाद में भी, तो फ्रेंड्स आपको ये लगभग 70 रुपये में किसी भी मेडिकल पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं अगर सब्सक्राइब कर लेना। एंड धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।